गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे, है ना। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सिमिलर ट्राइंगल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? सिमिलर ट्राइंगल। लास्ट लेक्चर में हम लोग सिमिलर ट्राइंगल भी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे, है ना, जिसमें एडिशन वाला कुछ क्वेश्चन भी हम लोग पिक करके उसको सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका लिखे ऑलरेडी रिटन बच्चों, मोर प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। मोर प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल कहने का मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टी हम लोग जान रहे हैं या फिर जो प्रॉपर्टी हमको पता है उसके अलावा भी कुछ कुछ और प्रॉपर्टी है जो कि ट्राइंगल सिमिलर होने पर होगा। उसके अलावा भी बहुत सारा प्रॉपर्टी ऐसा है जिसको जो कि ट्राइंगल सिमिलर होने पे होगा। तो अभी तक आप क्या क्या प्रॉपर्टी जान रहे थे बच्चों? अगर अभी तक हम आपका देखें, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है ए बी सी डी ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या क्या प्रॉपर्टी आप जानते थे बच्चों? पहले ये जानते थे कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, है ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। और क्या जानते थे बच्चों? और जानते थे साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर क्या था जानते थे? साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी साइड प्रोपोर्शनल होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। लेकिन इसके अलावा भी अभी हमारे पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है जो कि लिखना बहुत जरूरी है ना अगले। हालांकि वो उसमें से कुछ कुछ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ नॉर्मल भी है, लेकिन हम लोग को तो जानना है ना, हम लोग को तो जानना ही है। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि साइड का प्रोपोर्शन होता है आपस में। तो साइड प्रोपोर्शन होता है इसका मतलब क्या है? ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, है ना। तो साथ ही साथ अगर हम पहला एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी की बात करें तो जो मीडियन है, या फिर मीडियन बोलिए, या तो आप मीडियन बोलिए, या तो आप ले लीजिए एल्टीट्यूड, या तो आप ले लीजिए एंगल बाइसेक्टर, या तो आप क्या ले लीजिए एंगल बाइसेक्टर। थोड़ा सा इन तीनों के बारे में हम एक सेकंड जान लेते हैं, एक सेकंड इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। देखिए ध्यान से, अगर ट्राइंगल एबीसी है और डी आपका ये पॉइंट है, अगर डी मिड पॉइंट है, इफ डी इज मिड पॉइंट, AD क्या हो गया? AD मीडियन होगा, है ना? AD क्या हो गया? मीडियन हो गया। अगर आप इसका डिफिनेशन ये हो गया, द लाइन सिंगल जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ ए ट्राइंगल टू द अपोजिट वर्टेक्स, द लाइन सिंगल जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ ए ट्राइंगल टू द अपोजिट वर्टेक्स इज नोन एज मीडियन। यदि डी मिड पॉइंट हुआ तो, यदि डी पे आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यदि पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो AD आपका क्या हो गया? एल्टीट्यूड हो गया। नया टॉपिक नहीं है, आप लोगों को पहले से पता है ना, फिर भी हम लोग जान रहे हैं। तो एंगल डी का जो 90 डिग्री हो गया तो AD एल्टीट्यूड हो गया। और अगर एंगल ए, एंगल ए को AD बाइसेक्ट कर रहा है, AD बाइसेक्ट एंगल ए, यानी कि AD जो लाइन है इन दोनों को इक्वल बराबर भागों में बांटता है, यानी एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एंगल बाइसेक्टर। यानी मीडियन इज नथिंग बट इट इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ ए ट्राइंगल टू द अपोजिट वर्टेक्स। एल्टीट्यूड इज व्हाट? एल्टीट्यूड व्हेन वी मेक 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सॉरी एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? AD एंगल बाइसेक्टर इन विच AD बाइसेक्ट एंगल ए, है ना। तो हाँ, हम लोग इसका बात कर रहे थे ना, इसका तो अभी बात कर ही नहीं रहे हैं। तो मीडियन भी होगा ना, यानी कि बच्चों मीडियन एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर जो होगा, ये तीनों आपका साइड के प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों। और इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो इसको हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वो हमारा होगा एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल एबीसी, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, the ratio of area of two similar triangle is equal to a square of their corresponding side, a square of their corresponding side, है ना? the ratio of area of two corresponding, the ratio of area of two सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू अ स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड, है ना। तो चलिए हम लोगों को स्टार्ट करते हैं, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि मीडियन साइड के प्रोपोर्शनल होता है ये, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं?
प्रूव करते हैं ना कि मीडियन जो भी होगा, दो सिंगल ट्राइंगल का जो मीडियन होगा वो साइड के प्रोपोर्शनल होगा, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसको हम लोग प्रूव करते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर ले, है ना, ठीक है, हम यहाँ पर पहले से लिख कर रख चुके हैं ना, इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इज सेम एज द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, एकदम प्रूव करने का तरीका। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट आपका गिवन है ना, स्टेटमेंट कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट आपका गिवन है। तो स्टेटमेंट आपका गिवन है तो हम लोग क्या चाहेंगे लिखेंगे, इसके बाद स्टेटमेंट का क्या होता है बच्चों, फिगर। हम दो फिगर ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, है ना। गिवन क्या है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीएफ, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीएफ, और किसकी बात कर रहा है, मीडियन की। तो मीडियन हम ले लेते बच्चों, मीडियन अगर भी हम बताएं मिड पॉइंट अपोजिट साइड के वर्टेक्स को जो मिला उसको मीडियम बोलते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं ए एम, यहाँ पे ले लेते हैं डी एन, है ना, यहाँ पे ले लेते हैं ए एम, यहाँ पे ले लेते हैं क्या डी एन। तो अब आपके पास हो गया एम इज मीडियन ऑफ बी सी, एन इज मीडियन ऑफ ई एफ, है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है जो क्या प्रूव करना है, ध्यान देखो, रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इज सेम एज द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन। रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का हमारा रेशियो क्या होगा, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू एम अपॉन डी एन। क्या है बच्चों, एम अपॉन डी एन, है ना, यानी कि जो जो हमारा साइड का रेशियो था, जो हमारा क्या क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो था, वो क्रॉसपॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बच्चों, क्रॉसपॉन्डिंग मीडियन के रेशियो क्या होगा, आपस में बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब हमें सिर्फ इसको प्रूफ करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ इसको प्रूफ। तो हम किसी को भी या तो इसको या तो इसको या तो इसको इसके बराबर ले आए तो काम तो बन जाएगा ना, आइदर दिस वन आइदर दिस वन आइदर दिस वन, किसी को भी अगर हम इसके बराबर लेके चलाएं तो काम बन जाएगा। तो किसी को भी उठा लो, तो किसी को भी उठाने से पहले हम देख ले एम और डीएन को पहले देख लो। यहाँ पे हम लोग यहाँ डायरेक्ट प्रूफ करेंगे, हम लोग डायरेक्ट यहाँ क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो एम और डीएन को देख लो, तो एम आपका ये है, डीएन ये है, तो इन दोनों से बना हुआ कोई ट्रायंगल को चूज कर लीजिए, इन दोनों से बना हुआ ट्रायंगल को चूज कर लीजिए। तो आप ऐसा कीजिए ना, इन दोनों को चूज कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है, इन दोनों को आप क्या कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं। तो ट्रायंगल एबीएम, ट्रायंगल एबीएम एंड ट्रायंगल डीईएन, ट्रायंगल एबीएम एंड ट्रायंगल क्या होगी बच्चों, डीईएन। तो एबीएम डीईएन में क्या है, देखो ध्यान देना, ये दोनों में क्या हमारे पास इक्वल आ रहा है, हम उसी को कंसीडर करेंगे। तो इक्वल आने के लिए तो बहुत चीजें हमारे पास यहाँ पर, लेकिन जो जरूरत है हम उसी को लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हम ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ये सबसे पहले गिवन में है हमारे पास दिया हुआ, देखो तो दिखा रहे यहाँ पर ए बी अपॉन डी इजकल टू बी सी अपॉन एफ हमारे पास गिवन में दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी को हम ए बी कंसिडर रहने देंगे और बी सी को अगर हम चाहें तो टू बी एम लिख सकते हैं, क्योंकि एम तो हमारा मिड पॉइंट है, तो एम हमारा मिड पॉइंट है, तो हम बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी को लिख सकते हैं टू बी एम, और ई एफ को हम क्या लिख सकते हैं टू एन, क्योंकि एन हमारा क्या है मिड पॉइंट है, टू से टू कैंसिल। और साथ ही साथ एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, क्यों होगा बच्चों, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, तो ट्रायंगल जब सिमिलर है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई तो होगा ही होगा। तो बी ई के बराबर हो गया, ये साइड के क्रॉसपॉन्डिंग ये साइड के क्रॉसपॉन्डिंग हो गया और ये इसका क्रॉसपॉन्डिंग इसके साथ हो गया, यानी दो साइड और बीच का एंगल और दो साइड और बीच का एंगल, है ना, यानी साइड आपका प्रोपोर्शनल में है, साइड क्या आपके बच्चों प्रोपोर्शनल में है और उसके बीच का एंगल आपस में क्या इक्वल है, साइड प्रोपोर्शनल में है और बीच का एंगल आपस में इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय एसएस सिमिलरिटी ट्राइंगल एबीएम सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीएम सिमिलर ट्राइंगल ट्राइंगल डीईएन, एबीएम सिमिलर ट्राइंगल ट्राइंगल डीईएन। तो जैसे अगर ये सिमिलर हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी एम अपॉन ई एन इज इक्वल टू एम अपॉन
dn, है ना। तो हमें क्या लाना था, m अपॉन dn, a b इक्वल टू d, क्या बोले थे, इसको किसी के भी बराबर लेके चलाना है, इसको किसी के भी बराबर लेके चलाना है। तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, देखो ए बी अपॉन डी के बराबर आ गया, एम इक्वल टू डी एन, एम इक्वल टू डी एन आ गया। तो इसको एक सेकंड के लिए अगर हम ले लें तो आई ए बी का वैल्यू किसके बराबर हो रहा है, लिख लो यहाँ पे ए बी अपॉन डी, ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो ए बी अपॉन डी ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ, है ना। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो ये तो होगा ही होगा, है ना, बिकॉज ट्रायंगल सिमिलर, ये सिमिलर के कारण। लिख लो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी एफ, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी एफ, यानी ट्रायंगल सिमिलर है तो ये होगा, ट्रायंगल सिमिलर है तो ये होगा। और ये आपका क्या, ये हम सिमिलर करके प्रूफ किए। तो इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन वन एंड टू में ए बी अपॉन डी इसके बराबर है, ए बी अपॉन डी इसके बराबर, तो आपस में सब बराबर हो जाएगा, आपस में तो सब बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए बी अपॉन डी के बराबर ये है और ए बी अपॉन डी के बराबर हुआ। तो हम इक्वेशन वन एंड टू से अगर हम लिखना चाहें तो जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो आ गया हमारे पास, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू एम अपॉन डी एन। बस यही तो प्रूफ करना था आपको, क्लियर है बच्चों, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना। तो इसी तरह आपको तीनों प्रूफ करना है, हालांकि हम तीनों को तीनों प्रूफ करेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो खुद से एक बार प्रूफ करके जरूर देखना चाहिए, देखिए, है ना। जैसे अब यहाँ पे मीडियन था, मीडियन के यहाँ पे एल्टीट्यूड हो जाएगा तो फिर से ट्रायंगल सिमिलर होगा, फिर से प्रूफ होगा, है ना, फिर से ट्रायंगल सिमिलर होगा और क्या होगा, फिर से प्रूफ होगा। आप प्रूफ करने की कोशिश कीजिए, है ना। इसके बाद फिर हम बताते हैं, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि सर इसके बराबर इसको लाना है, तो ये तो पहले से आया हुआ है, अब इसके बराबर इसको लाना है, तो किसी भी एक को अगर इक्वल कर देंगे हमारा कहानी क्लियर है। आगे बढ़ो, जो समझना है, नहीं समझ में आया वीडियो रिपोज करके एक बार फिर से देख लीजिए। तो चलिए हम लोग मीडियन के बाद अब किस पे पढ़ते हैं, मीडियन के बाद पढ़ते हैं एल्टीट्यूड पे, मीडियन के बाद किस पे पढ़ते हैं बच्चों, एल्टीट्यूड पे, है ना, सॉरी एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। पहले एंगल बाइसेक्टर की तरफ बढ़ लो, एंगल बाइसेक्टर की तरफ ही बढ़ लो। तो ऐसा करते हैं, आप वीडियो पॉज करके बनाइए, बहुत ईजी है, सेम टू सेम तरीका है, आप वीडियो पॉज करके इसको आराम से बनाइए, बन जाएगा एकदम। चलिए बताते हैं, अब यहां पे क्या है, अच्छा इरेजी कर लेते इसको, ठीक है, फिर से लिखना पड़ेगा। हाँ, तो इस बार अब है आपका एंगल बाइसेक्टर, इस बार आपका क्या है बच्चों, एंगल बाइसेक्टर। तो मीडियन ना होकर वो क्या हो रहा है, एंगल बाइसेक्टर हो रहा है। तो अब यहां पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ गिवन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी एफ, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी एफ, ठीक है। अब और क्या है, एंगल बाइसेक्टर तो बना लीजिए, एम डी एन, एम बाइसेक्ट एंगल ए और डी एन बाइसेक्ट एंगल डी, है ना, एम बाइसेक्ट एंगल ए और डी एन बाइसेक्ट एंगल डी। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड एल्टीट्यूड के बराबर होगा, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड एल्टीट्यूड के बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ सेक्टर एम अपॉन डी एन, एम अपॉन क्या आ गया बच्चों, डी एन, एम अपॉन क्या आ गया, डी एन, है ना। तो एम अपॉन डी एन आ गया, अब हमें इसे प्रूफ करना, तो फिर से सेम टू सेम प्रोसीजर बच्चों, सेम टू सेम प्रोसीजर कि इसको अगर किसी एक के बराबर कर देते तो हमारा आराम से प्रूफ हो जाएगा। यानी एक ये ट्रायंगल को लेना है या किसी में किसी भी एक ट्रायंगल को मेंशन कर लीजिए, आप किसी को भी सिमिलर कर दीजिए, सिमिलर करने पर आपको क्या हो जाएगा, साइड प्रोपोर्शनल आएगा, साइड प्रोपोर्शनल होगा तो आंसर हो जाएगा, क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा सबको। तो चलिए हम ये बनाते हैं, ये हम बनाते हैं बच्चों, हम एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, आप एल्टीट्यूड वाला खुद से बना लीजिएगा, एल्टीट्यूड वाला आप खुद से बना लीजिएगा। तो चलो हम इसको बनाते हैं, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले एंगल ए और एंगल डी तो बराबर है सिमिलरिटी के कारण, अगर सिमिलर ट्रायंगल है, सेम ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई है,
तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, अगर हम दोनों को दो से डिवाइड करें या फिर एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं, टू इंटू एंगल बी ए एम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एंगल ए को लिख सकते हैं टू इंटू एंगल बी ए एम, क्योंकि ये इसका आधा ही है ना, इस ये एंगल पूरे एंगल का क्या होगा, दुगना होगा, ये एंगल पूरे एंगल क्या होगा, दुगना होगा, और ये एंगल पूरे एंगल का दुगना होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू इंटू एंगल ई डी एम। ये समझ में आया कि नहीं आया, फिर समझिए, आपको सिंपल टर्म है कि एंगल ए इसका दुगना होगा, क्यों, क्योंकि ये आपका आधार कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बाइसेक कर रहा है, बाइसेक कर रहा है ना, जैसे अगर एंगल ए का वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे ले लो, एंगल ए का वैल्यू क्या है 80 है, और ये लाइन इसको बाइसेक कर रहा है, इसको हम 40 लिखेंगे, तो एंगल ए को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, ए बी एम सी, तो एंगल ए को हमको रिप्रेजेंट करना है, तो 2 इंटू नहीं लिख सकते, 2 इंटू एंगल बी ए एम, बी एम का वैल्यू क्या है 40, 40 इंटू 2 80 के बराबर ही होगी, यानी जहां मैं बाइसेक करता हूं वहां पे हम 2 का मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं, वहां पे 2 का मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो एंगल ए का वैल्यू क्या हो गया 2 एंगल बी एम, और एंगल डी का वैल्यू क्या हो गया 2 एंगल डी ई एन, तो ये 2 से 2 कैंसिल है ना, तो एंगल बी ए एम इज इक्वल टू एंगल ई डी एन, और साथ ही साथ अच्छा ए और डी, तो अगर दो ए बी सी और डी एफ दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी बराबर होगा, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई भी बराबर होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई भी बराबर होगा, क्योंकि सिमिलर ही है, इसको भी साथ साथ लेके चलते हैं, साथ साथ लेके चलने से फायदा क्या होगा इससे हमारा, ये देखिए ये हमारा डबल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा, बाई ऐसे सिमिलरिटी ट्रायंगल बी ए एम, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या है सिमिलर, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए और ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, है ना, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर ए का डी बी का ई, ये हो गया, अब जैसे ट्रायंगल सिमिलर हो गया बच्चों, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई और ए एम अपॉन डी एम, जो जरूरत नहीं उसको हम नहीं लिखते हैं, जिसका जरूरत नहीं है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, हम इतना ही रहने देते हैं, और अगर ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ के क्या है बच्चों, सिमिलर है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई इजकल टू ए सी अपॉन डी एफ इजकल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वेशन टू वन, वही चीज देखिए ए बी अपॉन डी के बराबर ये आया और ए बी अपॉन डी के बराबर वो आया, तो अगर हम 1 2 से अगर कंपेयर करें तो सेम टू सेम प्रोसीजर पिछले वाला की तरह, अगर हम 1 एंड 2 से कंपेयर करें तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, सारा का सारा इक्वल, ए बी अपॉन डी इजकल टू एम अपॉन डी एन इजकल टू, उन दोनों को भी लिख लीजिए ए सी अपॉन डी एफ इजकल टू बी सी अपॉन ई एफ, आई थिंक ये क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्लियर है ना, समझ में आ गया, यानी कि स्टेप प्रॉपर्टी भी ये सब होता है, तो अब आपके पास है एल्टीट्यूड, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास मीडियन बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड तीन था, तो तीनों में हम लोग को क्या करना था, तीनों में हम लोग ट्राइंगल को ये बीच वाले ट्राइंगल को अगर हम सिमिलर करेंगे किसी तरह से सिमिलर कर देंगे तो हमारा आसानी से प्रूफ हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर में कैसे प्रूफ करना है तो दो एंगल को लेकर चलेंगे, मीडियन में कैसे प्रूफ करना है तो साइड एंगल साइड को लेकर चलेंगे, एल्टीट्यूड में कैसे प्रूफ करना है तो देखो एल्टीट्यूड में ये क्या हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी एंगल एंगल हो जाएगा, देखो ये भी 90 डिग्री, ये तो डायरेक्ट इजी, ये तो और इजी है, डायरेक्ट आप क्या लिखेगा एंगल एम इजकल टू 90 डिग्री, एंगल एन इजकल टू 90 डिग्री और एंगल बी इजकल टू एंगल ए, सिमिलर हो गया ट्राइंगल, ट्राइंगल सिमिलर हो गया, हमारा काम बन गया, यानी कि उसको एल्टीट्यूड को आपको खुद से करना बच्चों, एल्टीट्यूड को आपको खुद से करके भेजना है, ये तीन क्वेश्चन आपके पास रह गया, ये तीनों क्वेश्चन को जल्दी से आप होमवर्क में बना करके हमें आप व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दीजिए, ये तीनों क्वेश्चन को आप जल्दी से बना करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिए, एक ये पहला तो आपका ये रहेगा, देखो क्वेश्चन मेंशन करो, क्वेश्चन आपका ये इधर साइड ऑफ ए ट्राइंगल आप सिमिलर प्रूव्ड द रेशियो ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड इज सेम एज द रेशियो ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग मीडियम, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट है ना, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपका एल्टीट्यूड के बराबर होगा है ना, तो ये तीनों बना करके आप अच्छे से इसको सेंड कर दीजिए, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ओके।